प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल के जुम्मेरी मैदान में कांग्रेस पर भारी हमला किया है। उन्होंने कहा कि जो उमंग और उत्साह मध्य प्रदेश के लोगों में है वह दिखाता है कि वह बीते 20 साल से भाजपा की सरकार के तहत रहे हैं। इसका मतलब है कि जो युवा अब तक वोट डाल रहे थे उन्होंने केवल भाजपा की सरकार को ही देखा है। यह युवा भाग्यशाली है क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुराइयां और बुरे शासन को नहीं देखा। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय के युवाओं ने कांग्रेस के समय की खराब कानून व्यवस्था को नहीं देखा है और इस समय की सड़कें भी नहीं देखी। यहाँ के युवाओं ने अंधकार में जीने के लिए गांव और शहर को ही नहीं देखा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सोने और चांदी के चम्मच वालों के लिए गरीबों का कोई महत्व नहीं रखती है और राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के लिए गरीबों की बस्ती केवल एक छुट्टी धाम बन गई है जबकि किसानों के खेत और फोटो सेशन का मंच बन गया है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को अर्बन नक्सलों के साथ जाने दिया है और आने वाले चुनाव को महत्वपूर्ण घोषित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश के लोगों ने विकास का मार्ग सही तरीके से दिखाया है और उनकी यात्रा में कोई भी बाधा नहीं आई है।